ने बड़ी कार्रवाई की है। जबलपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां जबलपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत एक्शन लिया गया, 691 नशीले इंजेक्शन जब्त कर लिए गए। पुलिस ने इसके साथ ही चार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चार आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी के नेतृत्व में ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है और इसी ऑपरेशन शिकंजा के तहत 691 नशीले इंजेक्शन और चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो घमापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी के नेतृत्व में ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा था। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ संवाददाता वेंकटेश कोरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वेंकटेश, प्राथमिक कार्रवाई में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, और क्योंकि ऑपरेशन शिकंजा जारी है, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल प्रगति, ये जबलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 691 इंजेक्शन नशीले जो होते हैं वो बरामद किए गए हैं। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। एक बड़ी कार्रवाई जबलपुर पुलिस ने की है, क्योंकि नशीले पदार्थों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल और उसकी तस्करी बड़े पैमाने पर जबलपुर में किया जा रहा है। इसी के तहत एक विशेष अभियान चलाते हुए 24 घंटे में एक ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत 111 आरोपियों को विभिन्न प्रकार के जो मादक पदार्थ होते हैं, इसके अलावा नशीले इंजेक्शन इसके और अन्य जो अवैध शराब होते हैं की तस्करी करते हैं, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जहां तक नशीले इंजेक्शनों की बात है, तो जबलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में नशीले इंजेक्शनों की खेप बड़ी तादाद में खपाई जा रही है, इसका बड़ी तादाद में तस्करी की जा रही है और युवाओं को इसकी सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते युवा भी नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। चार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, इनके जरिए और भी खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि जबलपुर में बड़ी हाल के दिनों में इस तरह की कार्रवाइयां न केवल की जा रही है, बल्कि आरोपी भी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल वेंकटेश, और ऐसे में उम्मीद यही है कि और भी कई खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।